रेसलिंग मीना में आपका स्वागत है। ब्रॉक लेसनर वर्सेस द रॉक, और आते ही पहली सुपरक्स से स्वागत करते हुए द बीस्ट इनकार्नेट के खिलाफ हमारे द पीपल चैंप द हॉलीवुड मेगा सुपरस्टार। और देखिए मैच जीतने की बहुत जल्दी, मगर इतनी आसानी नहीं है जीतना ब्रॉक लेसनर से। वो एक बड़े सुपरस्टार है WWE में, रॉक भी कम नहीं है, हॉलीवुड के भी मेगा सुपरस्टार है और WWE के भी है, और रॉक ज़्यादा WWE में आने लगे हैं दोस्तों। हाल ही मैच जो गया है रोमन रेंस को बता के गए थे 1-2-3, तो आने वाले वक्त में रॉक का और रोमन रेंस का मैच हो सकता है 1-on-1, मगर ये रियलिटी में मैच हुआ रॉक वर्सेस ब्रॉक लेसनर, तो जीतेगा कौन? देखिए दोस्तों, मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से ब्रॉक लेसनर इजीली द रॉक को हरा सकते हैं, मगर रॉक भी कुछ कम नहीं है, अपना तगड़ा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं ब्रॉक लेसनर के सामने। मैच हुआ तो दोनों के बीच, मगर ब्रॉक लेसनर के ऊपर भारी पड़ते हुए हमारे द हॉलीवुड मेगा सुपरस्टार द पीपल चैंप द रॉक कुछ तो किया और दोनों में टकरार, उसका फायदा उठाया, फिर से बैली सुप्लेक्स लगा के ब्रॉक लेसनर के खिलाफ द रॉक, और बैक टू बैक फेस टू द पंच, फेस टू द पंच, फेस टू द पंच। तो मेरे रेसलिंग मेनिया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, मैं ऐसे ही WWE 2K23 के वीडियो लाता रहूंगा, वो भी फेस कैम हिंदी में, जिसमें मैच है वो है जबरदस्त पे पर व्यू समर स्लैम। देखिए थोड़ा भी चांस, थोड़ा भी मौका नहीं दे रहे, मगर ब्रॉक लेसनर को लेना आता है, अपना परफॉर्मेंस दिखाया और सुपर अल्टीमेट सुप्लेक्स जड़ दिया। यू नेवर वेक अप, ही इज बैक, और ये क्लोज लाइन मारने को अच्छी तरीके से ब्लॉक किया रॉक, और अगेन क्लोज लाइन, बदला पूरा किया और पिन करने की कोशिश, मगर मैच जीत नहीं पाएंगे, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। और देखिए उठाया और पावर स्लैम मारने की कोशिश, अच्छी तरीके से रिवर्सल लिया रॉक से ब्रॉक लेसनर, और जड़ दिया उनको जर्मन सुप्लेक्स नंबर 1 और सुपर मूव। ये मैच बहुत बड़ा चलेगा, क्यों बोले तो दो भी सुपरस्टार बड़े हैं WWE में। और देखिए रॉक अपनी होशियारी दिखाई, और मगर टेक डाउन करते हुए ब्रॉक लेसनर फुर्ती में द पीपल चैंप के खिलाफ हमारे बीस्ट इनकार्नेट। देखिए बैक टू बैक और अगेन जर्मन सुप्लेक्स नंबर 2, यू नेवर वेक अप। एक दौर में इतना अच्छा परफॉर्मेंस था ब्रॉक लेसनर का, 2012 में जो रिटर्न किया था और अटैक आते ही कर दिया था 16 टाइम चैंपियन जॉन सीना को, वहाँ से उनका तगड़ा परफॉर्मेंस, पब्लिक चाहने लगी थी उनको, उनका अंदाज, उनका स्ट्रॉन्ग लेवल देख के। और देखिए स्पाइन बस्टर, ओ माय गॉड, लुक एट दिस, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, सी गाइस। और देखिए अगेन फुर्ती में तो उठा, मगर रॉक के सिरा कुछ नहीं किया, अपना पावर इस्तेमाल करके फिर से चीट कर दिया ब्रॉक लेसनर को हमारे द पीपल चैंप, और पिन करने की कोशिश, मगर मैच जीतने में असफल। और उठा लिया फिर से रॉक, मगर ज्यादा देर चल नहीं पाए, ही इज बैक अगेन। और देखिए सुपर डुपर पावरफुल पंच टू द स्टमक, तड़पना देख सकते हैं द पीपल चैंप के खिलाफ, अब खैर नहीं, ओ माय गॉड, बैक टू बैक रिवर्सल, बैक टू बैक अटैकिंग मूवमेंट रॉक, वो भी ब्रॉक लेसनर के खिलाफ, दाग देना पड़ेगा, क्या परफॉर्मेंस दिखा रहे। और देखिए टैपआउट के शिकार बनाने की कोशिश, क्या मैच जीत पाएंगे या ब्रॉक लेसनर इजिली कंट्रोल में कर लेंगे द रॉक को, इजिली कम बैक। रेडी रहिए भाई FI के लिए, फुर्ती में रिवर्सल लेके कमॉन उठाने की कोशिश, मगर फुर्ती रॉक दिखा के चीत कर दिया अगेन रॉक लेसनर को, ओ माय गॉड, रेडी टू रॉक बॉटम, और लगा चुके हैं द बीस्ट को रॉक बॉटम, क्या मैच जीत पाएंगे, कमॉन फीमेल रेफरी कौन, नेवर, वो भी एक बड़े सुपरस्टार है, आई टोल्ड यू बॉय। और देखिए नी टू द स्टमक, ही इज बैक, रिवर्सल ले लिया फिर से ब्रॉक लेसनर, उठा लिया FI के लिए, क्या दे पाएंगे, और जड़ दिया द रॉक को वंडरस FI, इट इज ओवर, इट इज फिनिश्ड, कम ऑन रेफरी कौन, 1-2-3 गाइस, ये मैच के विनर, ये मैच का एकदार बन चुका है WWE 2K23 ये समर स्लैम के, हमारे द बीस्टी बॉय द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर, क्या मैच चला दो सुपरस्टार के बीच, बड़ा मैच तो बड़ा था, मगर रॉक बहुत बुरी तरीके से भारी पड़ रहे थे बीस्ट के ऊपर, मगर ब्रॉक लेसनर को लगाया एक स्पाइन बस्टर, एक लगाया उनका रॉक बटन, फिर भी मैच जीत नहीं पाए, ब्रॉक अपना कमबैक दिखा के जड़ दिया उनका फुर्ती में FI, और मैच को खत्म किया। तो मेरे रेसलिंग मेनिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
ओके बाय।